तो यहाँ पे जो है, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है कल्चरल डेवलपमेंट में लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, उत्तरी और जो है हमने दक्षिणी भारत में कर लिया कि कौन कौन सी जो है लैंग्वेज जो है यूज की जाती, किन की उन्नति हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो अब हम करेंगे दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली एम्पायर। तो इसमें जो था ये, इसका समय क्या है, 1206 ईस्वी से लेके जो है 1526 ईस्वी तक का जो है ये समय है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास पांच जो है, अगर देखा जाए तो पांच जो है वंशों ने राज किया है दिल्ली सल्तनत पे, दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ठीक है। तो ये पांच थे जिन्होंने जो है यहाँ पे राज किया। और इस समय पे अगर देखो 1206 से लेके जो है 1526 ईस्वी तक का समय है, ठीक है, तो काफी लंबा समय है। तो इस समय पे जो है भाषा का विकास भी हुआ होगा। तो भाषा का विकास जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान भक्ति लहर जो थी, अगर हम भक्ति लहर की बात करें, के कारण जो था हिंदी, गुजराती, मराठी, ठीक है, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, तो आदि जो है क्षेत्रीय भाषाएं जो थी इनका काफी विकास हुआ, लोकल लैंग्वेजेस का, ठीक है। अब भक्ति लहर थी, ठीक है, भक्ति जो कहेंगे मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के दौरान जो है इस समय पे चल रही थी, चल तो वो दक्षिणी भारत में भी रही थी, है ना, दक्षिणी उत्तरी। तो अब यहाँ पे जो है भक्ति लहर था, तो यहाँ पे जो है हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, पंजाबी, ठीक है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, और तमिल, ठीक है। तो ये भाषा जो थी इनका विकास हुआ, पंजाबी, कन्नड़ आदि जो है ये लोकल लैंग्वेजेस थी जिनका विकास हुआ भक्ति लहर के कारण जो है। इसी वजह से जो है भक्ति लहर आम बोलचाल, सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो बहुत ही सरल शब्दों में जो है धार्मिक ये भक्ति लहर थी, जो इन्होंने उसे जो है एक्सप्लेन किया, उनको जो है इन्होंने विचार अपने रखे, उनके लोगों के सामने, आम लोगों में जो है, जैसे इन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत से किए, भगवान को मानते थे, है ना, कह रहे थे कि जन्म और मन, भक्ति लहर का अर्थ ये था कि जन्म और मन के जीवन से जो है मुक्त होना, ठीक है, कि आत्मा और परमात्मा का मेल होना, कि जो जीव आत्मा है और जो है उनका मेल किन से करवाना है, परमात्मा से, ठीक है। तो भक्ति लहर थी ये। तो इसमें जो था, बाकी हमने पहले भी कहा कि जो है इसका जो है लोकल लैंग्वेज में जो आम बोलचाल की भाषा थी उसी में जो है प्रचार किया गया। तो इस वजह से जो है क्षेत्रीय भाषा जो थी, जहाँ जिस जगह की जो भाषा थी उसी में जो है इसका प्रचार किया गया, जिस वजह से इन भाषा, जो भी भाषा जो भारत में अलग अलग हिस्सों में जो है बोली जाती थी, ठीक है, जिसे जो आम बोलचाल थी लोगों की, कि बिल्कुल सरल शब्दों में किसी भी चीज की व्याख्या करके जो है उन्हें बता देना, समझा देना कि ये ऐसे है, ठीक है, तो उस भाषा में उन्होंने जो है भक्ति लहर का जो है प्रचार किया और लोगों तक जो है अपने संदेश पहुंचाए उन्होंने, ठीक है, और लोगों की भलाई के लिए और जो है समाज में जो कुरीतियां थी उन्हें भी उन्होंने दूर किया, और जो है भगवान के साथ तो उन्होंने जो है मेन तो यही था ना कि भगवान जो है मुक्ति प्राप्त करना और भगवान को जो है पाना, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है सिंपल शब्दों में, ठीक है। और उसके बाद जो है संस्कृत, अगर बहुत सारी पवित्र जो धार्मिक पुस्तकें थी उन वो किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में, तो वही है बहुत कठिन थी, मतलब के सब जन के जो आम लोग थे वो नहीं जानते थे संस्कृत भाषा को, ठीक है, मतलब के वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब तो अनपढ़ ही होते थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण होते थे ना वही पढ़ते थे धार्मिक ग्रंथों को, और जो है पढ़े लिखे जो होते जिसे जिसे संस्कृत भाषा आती है, ठीक है। उसके अलावा जो थे अगर बात करें जो अनपढ़ लोग थे उन्हें नहीं समझ आती थी, ठीक है, उसकी जो है व्याख्या करनी पड़ती थी। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जो है इन जो धार्मिक ग्रंथ है के अलग अलग भाषा में जो है इनका अनुवाद किया गया धार्मिक ग्रंथों का, के लोग आम लोगों तक जो है इस इन्हें पहुंचाया जाए कि क्या है इनमें, और समाज जो है बीतता गया, और हिंदी और जो है फारसी भाषा के सुमेल के साथ जो है एक नई भाषा जो है उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है, उर्दू, ठीक है। किससे किसके सुमेल से, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय के दौरान जो है उर्दू भाषा का अगर बात करें तो उर्दू भाषा जो है उत्पन्न हुई है किस भाषा से, ठीक है। उर्दू, ठीक है, उर्दू जो है ये कैसे उत्पन्न हुई है, ये फारसी फारसी प्लस किससे, हिंदी, हिंदी के अरबी, मैंने क्या बोला भाई, जो है ये मतलब के समा बीतक है फारसी और जो है हिंदी, और कहाँ पे होती है ये, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में एक जगह है वहां पे जो है इस ये उत्पन्न होती है हिंदी और फारसी से के सुमेल से, इन दोनों को मिलाकर जो है, क्योंकि देखो फारसी भाषा भी यहाँ पे अगर बात करें तो फारसी भाषा जो है काफी जो था उसने विकास कर लिया था भारत में, और जो है हिंदी का जो है हिंदी किसका स्वरूप था, संस्कृत भाषा को जो था आसानी से समझने के लिए हिंदी भाषा का जो है विकास हुआ, ठीक है, मतलब उत्पन्न हुई, और इन दोनों के मेल से जो है उर्दू भाषा जो है वो उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय के दौरान हुई, तो उर्दू भाषा जो है होंद में आई, और विजयनगर राज के विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, उस समय में शासनकाल के दौरान जो है संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य जब आता है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो था साम्राज्य विजयनगर अम्पायर, तो इस समय में जो है किस भाषा का जो है विकास हुआ, संस्कृत, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ, क्लियर है। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ओके जी।